बिल पास हो गया और लगातार जो प्रतिक्रियाएं रही वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद कुछ बोल रहे हैं इस पर, हम दिखा रहे हैं आपको। नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही अभिनंदन करना चाहूंगा कि इस इतने बड़े तीन तलाक के अभिशाप के खिलाफ उनका निर्देश था कि हमारी सरकार मजबूती से खड़ी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सैकड़ों तीन तलाक हो रहे थे, बेटियां बहनें मुस्लिम समाज की खवातीनें परेशान थी। और जैसा मैंने सदन में कहा है, ये सवाल न पूजा का है, न इबादत का है, न प्रार्थना का है, ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान, इंसाफ और इंसानियत का। और आज ये दोनों कानून जो पारित हुआ है तो इंसाफ भी जीता है, इंसानियत भी जीती है। इसलिए मैं इस देश की सारे अपने मुस्लिम समाज की बेटियों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज ऐतिहासिक दिन है और यही कहना चाहता हूँ, उनको इंसाफ मिले इसके लिए हमारी कार्रवाई हमेशा उनके पक्ष में चलती रहेगी। टुडे इज इंडीड ए ग्रेट डे, द हिस्टोरिक एंटी ट्रिपल तलाक बिल हैज बीन पास्ड। सम पॉलिटिकल लीडर्स यूज्ड टू से दैट वी विल ब्लॉक इट इन राज्यसभा, बट इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट अश्योरेंस दैट हैज बीन पास्ड ऑल्सो इन द राज्यसभा। दिस बिल इज नाइदर फॉर एनी वर्शिप और रिलीजन और कम्युनिटी, इट इज बेसिकली फॉर जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर डिग्निटी। इट इज बेसिकली फॉर इंसाफ एंड इंसानियत। एंड आई एम वेरी प्राउड दैट माई प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी क्लियरली टोल्ड अस दैट वी नीड टू स्टैंड फर्मली विद द विक्टिम्स ऑफ ट्रिपल तलाक। टुडे हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। इंडिया, एन इंडिया वेयर वुमेन आर फाइटिंग फ्लाइंग फाइटर प्लेन्स, an India where they are leading the scientific team for Chandrayaan and Mangalyaan, where Indian women athletes are winning gold medals, where Indian women are topping in central services, today this pernicious practice has been buried.